नमस्कार, मैं सौरभ पंत, सहायक अध्यापक एलटी गणित, राजकीय इंटर कॉलेज सत्यो, ब्लॉक लमकोला, जनपद अल्मोड़ा में कार्यरत हूँ। आज हम लोग वेक्टर्स में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट जिसे कहते हैं उसको पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर्स में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट सीखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें मेनली एक होती है एक कॉची स्वार्ड इनइक्वालिटी होती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या। जैसा कि इसका नाम है डॉट, या सामान्य से स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो स्केलर प्रोडक्ट का अर्थ ये है एक तरह से कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जब होगा तो उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक हमें एक स्केलर मिलेगा। तो सामान्य रूप से तो हम पहले इसको सिंपली समझेंगे, ए और बी दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। इसमें ये जो पहला पार्ट है मॉडुलस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी स्केलर, कॉस थीटा भी स्केलर। तो इसके थ्रू जो आंसर हमें मिलेगा वो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जरा और क्लियरली समझते हैं, थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं कि जैसे सपोज ये ए है और ये बी है, तो इसको जरा सा ऐसे समझे कि ए डॉट बी जब हमने किया तो इट मीन्स ये समझिए कि एंगल ए से बी की ओर बंद हो रहा है। ए डॉट बी का अर्थ क्या है, एंगल ए से बी के बंद हो रहा है, तो ये तो ए डॉट बी हो गया। जब हम इसको बी डॉट ए करेंगे तो इट मीन्स कि एंगल क्या होगा, बी से ए की ओर काउंट हो रहा है। तो अगर आपने ए डॉट बी में एंगल को थीटा लिया तो बी डॉट ए में क्या हो जाएगा, वो माइनस थीटा। तो उस केस में ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ ए कॉस माइनस थीटा। अब कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस कॉस थीटा। तो ये ए डॉट बी और बी डॉट ए हुआ। तो हम क्या कह सकते हैं कि ए डॉट बी और बी डॉट ए इक्वल आ रहा, तो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कैसा लॉ फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब हम इसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की ओर जाते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकली हम इसकी मीनिंग कैसे समझेंगे। जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का यूज कहां पर होता है, स्केल स्पेशली प्रोजेक्शन में। अब आप ऐसे समझिए कि जैसे मैंने करा b डॉट a किया, तो लेट ये वेक्टर a है ये वेक्टर b है। तो जब हम b डॉट a करेंगे तो ऐसे समझिए ये जो पार्ट होता है, जैसे किसी वेक्टर का b का ये जो पार्ट है, इस तरह से अगर हम एक परपेंडिकुलर डाल दें तो एक हिस्सा ये बचता है, तो ये हिस्सा कहलाता है इस b वेक्टर का इस a वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। इसी तरह से अगर मैं a डॉट b करूं, तो अगर मैं यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो a की b पर जो छाया बन रही है इस तरह से, वो कहलाएगा a का b पर प्रोजेक्शन। कैसे है एक बार फिर समझते हैं फिगर से। सपोज ये है वेक्टर a और ये है वेक्टर b, और लेट इनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, क्योंकि हमने देख लिया कि ए डॉट बी या जो स्केलर प्रोडक्ट है वो एंगल की डायरेक्शन से तो इंडिपेंडेंट है, तो इसमें हम एंगल की डायरेक्शन को ना भी शो करें तो भी हमारा काम चल जाता है। अब जब हम बी डॉट ए कर रहे हैं तो आप समझिए कि जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये जो हिस्सा आया ये क्या आएगा, ये आ जाएगा बी कॉस थीटा, कॉस थीटा दिस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, अगर हम बी मान लें सिंपली और इसके मैग्नीट्यूड को हम ए मान लें तो cos थीटा क्या आ गया, दिस अपॉन दिस, यानी कि अगर इसको मैंने ओ एल कह दिया तो ओ एल अपॉन बी, तो ये हो गया बी cos थीटा। तो इसको हम लोग इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि बी डॉट ए को बी cos थीटा इंटू ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। आई बात समझ में, अगर हम कहें बी डॉट ए, अब इसकी जो डेफिनेशन है आप उस फॉर्मूले की ओर ना जाए और उसको इस तरह से समझे कि बी डॉट ए को आप कैसे पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, या सीधे सीधे ए कहें क्योंकि हम ए पर ही निकाल लें। इसके उलट अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे। तो उस केस में जब हम ए डॉट बी की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा, प्रो जैक्सन ऑफ
ए ऑन बी। तो अब की बार क्या हो जाएगा, अब हम दोनों कॉन्सेप्ट को लेके चले, यहां के अकॉर्डिंग बी डॉट ए बनता है प्रोजेक्शन ऑफ बी। अब बी का ए पर प्रोजेक्शन क्या है, ओ एल इंटू ए, और यहां के अकॉर्डिंग चले ए डॉट बी के अकॉर्डिंग तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। अब ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या है, ओ एम, तो ए डॉट बी की डेफिनेशन बनती है ओ एम इंटू बी। तो यह आ गया b cos थीटा इंटू ए, ये तो हो गया b डॉट ए, और a डॉट b की डेफिनेशन क्या बनेगी, ओ एम, ओ एम का अर्थ हो गया, अब सेम प्रोसेस वहां के लिए अप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा a cos थीटा इंटू बी। तो दोनों से अगर हम देखें तो फॉर्मूला एक ही आ गया, ये भी ए बी कॉस थीटा बन गया, ये भी फाइनली क्या बन जाता है, ए बी कॉस थीटा। तो इस तरह से भी ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन से भी ये क्लियर हो गया कि ए डॉट बी इक्वल बी डॉट ए होता है, और हमें ज्यादा क्लियर ये हो गया कि ए डॉट बी की एक्चुअल मीनिंग क्या है। ए डॉट बी की एक्चुअल मीनिंग को हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। इसी तरह से अगर कभी आपने लिखा है सपोज ए प्लस बी डॉट सी, तो अब आप इसको कैसे कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर या प्रोजेक्शन ऑफ ए प्लस बी ऑन सी, और सी डॉट ए प्लस बी कहेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी। इसके बाद अब हम प्रोजेक्शन का फॉर्मूला निकालते हैं, तो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है, इसी से निकल जाएगा वो। जैसे यहां पर बात करें, अगर हमें बी का ए पर प्रोजेक्शन निकालना है तो इसी डेफिनेशन से चले, प्रोजेक्शन ऑफ बी निकालना है तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन क्या था, ओ एल इंटू ए, ओ एल का अर्थ था बी कॉस थीटा, तो ओ एल प्रोजेक्शन हो गया। तो ओ एल का फॉर्मूला क्या बन गया, बी डॉट ए अपॉन ए, या आप इसको ए डॉट बी भी कह सकते क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इसके बाद अब हम प्रोजेक्शन ऑफ ए निकालें, अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या था, ओ एम था, तो दिस इक्वल टू ओ एम, तो ओ एम की क्या बनेगी यहां से, ओ एम इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन बी। तो सिंप्लीफाई करें तो ये फॉर्मूला बन गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बन गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर बी। आप इसको चाहे तो मॉड ऑफ वेक्टर बी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया, प्रोजेक्शन भी क्लियर हो गया और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर हो गया। अब हम इसे इस स्केलर प्रोडक्ट से कई इसकी नई नई प्रॉपर्टीज हैं उनको सीखते हैं, और कुछ नई प्रॉपर्टीज या कुछ हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उनको भी इससे ड्राइव कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पे हम लोग जाते हैं वो होती है पहली, तो हमने प्रूफ कर ही लिए कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ तो हम कर ही चुके हैं, वो क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, पहली वाली तो हमने डेफिनेशन भी कर ली थी। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वेक्टर के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, कि अगर ए डॉट बी जीरो हो जाए, अब अगर a डॉट बी जीरो हो गया तो इट मीन्स a डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब मान लिया इसमें कि लेट या इसको हम लोग अगर कहें तो a को डज नॉट इक्वल जीरो मान लें, a जो है क्या है वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो गया और b वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। अब हम जितने भी प्रॉपर्टी होंगे उसमें ये इसको दिमाग में रखेंगे कि जब हम ए लिखेंगे तो उसका अर्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, और जब बी लिखेंगे तो उसका मीनिंग होगी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ए जीरो है और बी भी डज नॉट इक्वल जीरो है, तो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स हो गए। तो उस केस में अराइज होती कंडीशन कि कॉस थीटा इक्वल जीरो हो जाए। अब कॉस थीटा जीरो होगा तो कितने पर होता है, 90 डिग्री पर। तो अगर हमें दो वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो ए डॉट बी कितना होना चाहिए उसका, जीरो। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम जाएं तो वो होती है आई जे और के के लिए प्रॉपर्टी, जिसको हम कहते हैं हमारे रेक्टेंगुलर एक्सेस जो होती है एक्स वाई और जेड, उसके अलाउंग हम यूनिट वेक्टर्स आई जे के लेते हैं। तो अब अगर हम आई डॉट आई देखें
तो 1 इंटू 1 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 हो गया 1, तो आई डॉट आई कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे अगर हम आई डॉट जे की बात करें तो 1 1, इनके बीच का एंगल हो गया 90, तो ये कितना हो गया 0। तो इट मीन्स कि आई डॉट आई 1 होगा, ऐसे जे डॉट जे भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि उनका भी एंगल 0 है। के डॉट के वो भी 1 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे निकालेंगे वो 0, जे डॉट के निकालेंगे वो भी 0, के डॉट जे निकालेंगे वो भी 0, क्योंकि उनके बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो बच्चों ये तीन प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम इसकी आगे की कुछ प्रॉपर्टीज है उसको देखेंगे। आइए अब हम लोग इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो तरह के होते हैं, राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और लेफ्ट हैंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, देखेंगे कि कैसे प्रूफ होता है। और दूसरा ये वाला बन जाएगा बी प्लस सी डॉट ए, तो ये होगा बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए। तो इसको हम देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। मान लेते हैं हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट ये ओ से लेके बी तक हमने बी वेक्टर ले लिया, बी टू सी हमने सी वेक्टर ले लिया। तो ये बन जाता है आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये हमारा वेक्टर ए हो गया। तो कुछ नहीं, जब हम बी प्लस सी डॉट ए करेंगे तो बी प्लस सी डॉट ए की मीनिंग क्या होगी, इसकी डेफिनेशन में जाते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। तो अब प्रोजेक्शन देखें तो क्या होता है, बी का प्रोजेक्शन जो बन गया वो बन जाता है ओ एल, और ये जो सी है इसका प्रोजेक्शन जो बन जाएगा, पहले तो हम देखें कि बी प्लस सी का प्रोजेक्शन क्या है। बी प्लस सी का कंप्लीट प्रोजेक्शन है ओ से लेके एम तक। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी, बी प्लस सी पूरे वेक्टर का प्रोजेक्शन जो ए पर है वो कितना है ओ एम। तो ओ एम ए। अब इस ओ एम के दो स्टेप बन जाते हैं ओ एल प्लस एल एम। तो ओ एल प्लस एल एम इंटू ए। ओ एल को हम क्या लिख सकते हैं अगर इसको दो स्टेप में फिर करें, ओ एल इंटू ए और एल एम इंटू ए। तो ओ एल इंटू ए, ओ एल इंटू क्या बन गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए की मीनिंग बी डॉट ए। एल एम बन गया प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, तो इसको लिख देंगे सी डॉट ए। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। अब इसी का अगर हमें ए डॉट बी प्लस सी को प्रूफ करना है, तो इसको आप लोग वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो ए डॉट बी प्लस सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी डॉट ए। तो ये बी डॉट ए बन जाएगा ए डॉट बी, क्योंकि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और ये भी बन जाएगा ए डॉट सी। तो बच्चों ये तो थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी। अब हम इसके आगे देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं कॉसी श्वार्ज इनइक्वालिटी। तो उस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं कि वो होती क्या है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5-6 में हम आते हैं। कॉसी श्वार्ज इनइक्वालिटी बहुत सिंपल है और बहुत छोटी भी है। है क्या कि ए डॉट बी, ये हमें पता है, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख दें इस बार, मॉड ऑफ ए बी कॉस थीटा, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब हम इसका स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ फैक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ फैक्टर बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि बच्चों इसके नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, इस नाम में शब्द आए इनइक्वलिटी, इक्वलिटी शब्द नहीं आया, तो इक्वलिटी का साइन तो आना ही नहीं है। इनइक्वलिटी का साइन ये तो दे नहीं सकते, इनइक्वलिटी का साइन कौन देगा इसमें, कॉस थीटा। अब आपको कॉस थीटा की प्रॉपर्टी पता और हमें एल्जेब्रिक स्क्वायर इनइक्वलिटी भी पता, जो कि आप हमारे और लेक्चर्स में देख सकते हैं एल्जेब्रिक इनइक्वलिटी के। तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल ए स्क्वायर हो, इससे क्या रिजल्ट आता था, एक्स ग्रेटर देन इक्वल ए और लेस देन इक्वल, नहीं एक्स ग्रेटर देन इक्वल माइनस ए एंड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो सेम प्रोसेस कॉस थीटा के लिए भी होती है,
कि कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल माइनस है, लेस देन इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल वन, तो ये प्रॉपर्टी आती है। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये इक्वलिटी का साइन, इक्वल का साइन इन इक्वल में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, और इसकी जगह पे लेस देन इक्वल वन आ गया, तो ये चेंज हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, तो ये हो गया ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये। इसकी इक्वलिटी को हम कहते हैं कॉची स्वार्ज इनइक्वलिटी। इसके बाद एक प्रॉपर्टी और देखते हैं इसी में आगे, जो कि हमारे कई सारे वेक्टर्स की प्रॉपर वेक्टर्स के क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है उसको देखें, वो ये है कि अगर मैं इस वेक्टर ए का इसी वेक्टर से डॉट करूं तो ये क्या मिलेगा मुझे, सामान्य रूप से कहूं मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए, और किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से एंगल जीरो डिग्री, तो कॉस जीरो वन आ गया, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर। इसी से हम दो तीन एक सब प्रॉपर्टी क्या बना सकते हैं, अगर हमें निकालना हो मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसी तरह से अगर हमें मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी। अब देखते हैं कि आखिर किसी एक के लिए फॉर्मूला बना ले या दोनों के लिए भी बना सकते हैं, फॉर्मूला निकलेगा कैसे, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बनेगा जो प्रॉपर्टी नंबर सेवेंथ जो हो जाएगी, एट्थ हो जाएगी, वो क्या होगी कि ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। तो ये बन गया ए डॉट ए पहले, तो फिर बन जाएगा ए डॉट बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, फिर बी डॉट ए देन बी डॉट बी, तो ये आ गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है या बी डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए डॉट बी और ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। इसी से रिलेटेड दूसरी प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर, तो उसमें क्या होगा, सेम प्रोसेस है, ये बीच का जो साइन है वो माइनस हो जाएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो टू ए डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये एक इसी की सब प्रॉपर्टी है, ये भी इसी की सब प्रॉपर्टी है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर तो क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ट्वाइस ऑफ मॉड ए का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर और टू से इसको डिवाइड कर देंगे, तो एक प्रॉपर्टी ये भी बन जाती है। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को और देख लेते हैं, जैसे हमने देखी थी कई तो हमने निकाल ली हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। तो इस पे जाने से पहले एक प्रॉपर्टी आ गई हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाइन्थ प्रॉपर्टी, इन दोनों को डिस्कस करते हैं। एक तो करते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस वेक्टर ए माइनस बी, इनका डॉट करना है, तो सिंपल है ए डॉट ए होगा पहले, तो फिर माइनस ए डॉट बी हो जाएगा, फिर बी डॉट ए हो जाएगा माइनस बी डॉट बी, ये दोनों तो कैंसिल जाएंगे क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो ये बन गया मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर। अब जिस प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा था, यह हम उसको एज ए थ्योरम के एक थ्योरम के रूप में भी पढ़ सकते हैं, वो ये है कि किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर के अलोंग और परपेंडिकुलर उसका प्रोजेक्शन निकाल, इसके कंपोनेंट निकाल लें, तो
कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू अनदर वेक्टर। ये हमारे जी के कई सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, थोड़ा सा हायर है क्योंकि, तो इसको समझते हैं। जैसे मान लिया ये एक वेक्टर ए है और ये एक वेक्टर बी है। अभी तक तो हम लोग करते क्या थे कि सीधे सीधे कंपोनेंट से निकालते तो बी कॉस थीटा और परपेंडिकुलर को बी साइन थीटा लिख लेते हैं। अब हमने करना क्या है कि इसका इस पर प्रोजेक्शन निकालना है। जरूरी नहीं है कि ये होरिजेंटल हो कार्टिजियन एक्सेस के अलॉन्ग, ये हो सकता है किसी डिफरेंट एंगल पर भी हो। तो वही चीज मैंने लेके चली है, ये थीटा एंगल हो गया। अब इस वेक्टर का इस पर कंपोनेंट देखना है, तो लेट एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो ये ओ मान लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं। तो ये इसका होरिजेंटल लेंथ की अगर बात करें तो होरिजेंटल लेंथ इसकी यहां तक आती, लेट ये एल हो गया। अब बात आई कि इस बी का एक ए पर जो ये प्रोजेक्शन है इसको हमने कंपोनेंट, इसको होरिजेंटल कंपोनेंट कह देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए जो हो गया ओ एल। तो इसका कंपोनेंट जो बन गया अलोंग, तो जो अलोंग कंपोनेंट हो गया वो क्या हो गया, उसको हम कहेंगे बी का जो निकालना है ए पर कंपोनेंट ओ एल, और किसकी डायरेक्शन में है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में निकालना, ये कैप हो गया। आई बात समझ में, ये इसकी ये कंपोनेंट हुआ ना बी का कंपोनेंट हमें ए पर निकालना है, तो ये ओ एल उसकी लेंथ होगी यहां पर, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर कितना हो गया ए के। इसी तरह से अगर हमें ए का बी पर निकालना होता तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते जो भी लेंथ आती उस समय यूनिट वेक्टर क्या बन जाता, बी कैप बन जाता, क्योंकि उस समय हम ए का बी पर निकालते। तो फिलहाल अभी हमने बी का ए पर निकाला। अब बात आई इस ओ एल की, ये ओ एल क्या है, प्रोजेक्शन है। तो ओ एल को हम कैसे लिखेंगे, अगर हम ए डॉट बी करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ओ एल, अच्छा इसको अगर क्लियर ना हो तो ऐसे कर लें बी कॉस थीटा इंटू ए, ये आपका ओ एल हो गया क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए हो गया ओ एल इंटू ए। तो ओ एल कितना आ गया, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर ए, या इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ऐसे लिख देते हैं। तो ये क्या कंसेप्ट बनी, ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, और ए कैप को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये कंपोनेंट आ गया ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर ए कैप। ये तो हो गया अलोंग। अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया, यानी कि एल बी हो गया। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात होगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, बी एल की लेंथ हमें पता करनी है। तो अब यहां पर भी वही चीज अप्लाई हो सकती है, अगर हम अभी इसको जैसे अभी हमने देखा इस ओ एल को हमने वेक्टर बना दिया, ये बन गया ओ एल वेक्टर। अब ऐसी ये बी एल वेक्टर हो गया, तो ओ एल प्लस एल बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओ एल प्लस एल बी इज इक्वल टू बी। और हमें निकालना क्या है, एल बी वेक्टर, एल बी ही क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो ये आ जाता है वेक्टर बी माइनस ओ एल, तो b माइनस ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा वेक्टर a। तो बच्चों ये चीजें आपको क्लियर आई होंगी कि किसी वेक्टर का किसी अन्य वेक्टर पर कंपोनेंट क्या करा। पहले हमने जैसे हमने b का a पर निकालना था, तो ol और उसकी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर हो गया a कैप, और ol क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, यानी कि b cos थीटा एक तरह का प्रोजेक्शन हो गया। तो b cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ol एल इंटू ए, देन ol एल इज इक्वल टू आ गया a डॉट b अपॉन मॉड ऑफ ए। उस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने ये निकाल लिया। अब हमें लास्ट